हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीनियस किड्स एजुकेशन। तो आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट, एक नए विषय की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है CWC, ये कैम्ब्रिज प्रकाशन की कम्युनिकेट विथ कैम्ब्रिज ये पुस्तक आती है क्लास वन की। इसकी सीरीज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सीरीज बहुत ही पसंद आएगी और आप हमें भरपूर लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज हम शुरू करते हैं एक नई सीरीज। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसकी पहली चैप्टर है डू यू रिमेम्बर। तो आइए देखते हैं डू यू रिमेम्बर। डू यू रिमेम्बर, ई में है से दीज वर्ड एलाउड। सेज मतलब कहो, दीज ये सब वर्ड्स मतलब ये वर्ड्स हैं, एलाउड मतलब जोर से, इन शब्दों को जोर से पढ़ना है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। वन में है BAT बैट, इसको पढ़ेंगे BAT बैट। इसको RED रेड। TOP टॉप। HARE हेयर। COOK कुक। TRE ट्री। इनको पढ़ने के साथ साथ आइए देखते हैं बैट। ये बैट मीन्स, ये बैट होता है बल्ला जिससे हम लोग बॉल खेलते हैं क्रिकेट में। बैट मीन्स बल्ला। रेड, रेड मीन्स लाल होता है। TOP टॉप, टॉप टॉप मीन्स लट्टू होता है। ये HARE हेयर मीन्स खराहा होता है। ठीक। COOK कुक, कुक मतलब खाना बनाना, ये रोटी पका रही है। कुक मीन्स खाना बनाना। ट्री, ट्री मीन्स पेड़ होता है, वृक्ष होता है। तो अब आइए नीचे देखिए क्या लिखा है बी में। रीड दीज वर्ड एलाउड, इन शब्दों को जोर से पढ़ना है। देन उसके बाद सर्किल द वर्ड डैट डज नॉट रीम विथ द ऑर्डर वर्ड इन इच ग्रुप। और इसमें जो रिदम में, इसके रिम में इसके साथ नहीं मैच कर रहा है, उसको सर्किल करना है। तो आइए देखते हैं। जैसे वन में है ए में बैग डॉग रैग, तो बैग रैग एक रिम का है, ये डॉग अलग रिम का है, इसको सर्किल किया है। इसी तरह इसमें देखिए गोट कॉट कोट, तो गोट कोट एक रिम का है, एक कोट अलग है, इसको हम सर्किल कर देते हैं। थ्री में देखिए क्या है सी ट्री डे, तो सी ट्री इसमें डे है, ये अलग है, डिफरेंट है, इसको सर्किल कर दिया। इसमें देखिए डियर केयर ईयर, तो डियर ईयर एक रिम का है, केयर अलग है, इसको सर्किल कर दिया। व्हील मील टेल, ये अलग सर, ये अलग हो जा रहा है। व्हील मील एक रिम का हो रहा है, ये अलग है, इसको सर्किल कर दिया। बूट बट रूट, तो बूट और रूट एक रिम का है, ये बट अलग है, डिफरेंट है, इसको बट को सर्किल कर दिया। ये देखिए सेल है, टेल है, बॉल है, ये अलग है, इसको सर्किल कर दिया। पेट मेट फिट, ये अलग है, इसको डिफरेंट है, इसको सर्किल कर दिया। ये पुट बट फुट, तो पुट फुट एक रिम का है, बट ये हो गया, इसको बट को हम सर्किल कर देते हैं। कॉट नॉट कैट, ये अलग डिफरेंट लग रहा है, इसको हम सर्किल कर दिया। ठीक है, हमें उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। आइए तो आगे देखते हैं। रीड द वर्ड अलाउड, इन शब्दों को जोर से पढ़ना है। देन टेक द वर्ड डैट मैच विथ द पिक्चर, और पिक्चर से जो वर्ड मैच कर रहा है उन पे टिक करना है। तो आइए चलिए देखते हैं। वन में है देखिए ये शूज का फोटो है, इसको बूट भी बोलते हैं। ये देखिए बोट बूट, बोट मीन्स तनाव होता है, बूट बूट मीन्स जूता होता है। तो बूट में देखिए क्या होता है, बूट मीन्स शूज, इसमें टिक ऑलरेडी मारा हुआ है। तो आगे से देखते हैं। देखिए टू में है
टेप है, टैप है। तो ये देखिए टेप का फोटो है, टेप में थपथपाना होता है, टेप में फीता। ये देखिए टेप है, इसको हम कर देते हैं टिक। फिर देखिए ये बुक है, बाइक है, तो फोटो तो बुक का है, बाइक में तो आप तो जाते हैं, मोटरसाइकिल होता है, बुक बुक ये बुक का फोटो है, तो बुक को हम टिक कर देते हैं। ठीक, अब देखिए ये देखिए ये है कैप है, कप है, तो किसका फोटो है, किसका पिक्चर है, तो कप का है, तो कप कर देते हैं। कैप मीन्स तो टोपी होता है, कप का टिक कर दिए। ये देखिए सिप, सिप ये सिप मीन्स भेड़ होता है, ये सिप मीन्स जहाज होता है, तो ये सिप का फोटो है जहाज वाला, तो इसमें हम इसको टिक कर देते हैं। ये देखिए टेन है, टीन है, तो ये टेन लिखा हुआ है, तो टेन में हम टिक मार देंगे। ठीक, ये है पेन है, पिन है, तो ये देखिए पेन का फोटो है, तो पेन में हम टिक मार देते हैं। ये देखिए केयर है, कार है, तो ये कार का फोटो है, तो कार में हम टिक मार देते हैं। ये देखिए बॉल, ये बॉल है, बेल है, तो ये बॉल का फोटो है, तो बॉल लिख देते हैं, ये बॉल में टिक मार देते हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, डी में है, डी में है रीड दीज वर्ड एलाउड, इन शब्दों को जोर से पढ़ना है। पे अटेंशन टू द साउंड ऑफ द लेटर इन पिंक, पिंक में जो लिखा हुआ है उसको अटेंशन देना है, ध्यान देना है। तो देखिए वन में है बॉय, बबल, बियर, जॉब, इसमें कुछ करना नहीं है, खाली पढ़ना ही अलाउड। तो देखिए बॉय, बबल, बियर, जॉब। ये देखिए पियर, एप्पल, पप्पी, मॉप, वाटर, अवे, वाउ, नाउ, वान, ओवर, डफ, रिवर, केक, पेंसिल, किप, कैट, इस तरह से इसको पढ़ देना है। अब आगे में क्या है, लिसन टू योर टीचर रीड आउट दीज टंगी ट्विस्टर, लिसन टू योर टीचर रीड आउट दीज टंगू ट्विस्टर, आपकी जो टीचर इसको पढ़ेंगे आपको ध्यान देना है। कैन यू रिपीट देम विदाउट मेकिंग ए मिस्टेक, और बिना गलती के आपको इन वर्ड को रिपीट करना है। देखिए वन में है बिग पप्स बार्क इन पार्क्स, बिग पप्स बार्क इन पार्क्स। टू में है बॉबी पिक्ड प्लेंटी ऑफ एप्पल्स, टू में है बॉबी पिक्ड प्लेंटी ऑफ एप्पल्स। थ्री में है द ब्लू बैलून्स पॉप्ड, थ्री में है द ब्लू बैलून्स पॉप्ड। फोर में है द वन रैन इन टू द वाटर, द वन रैन इन टू द वाटर। फाइव में है वी वेंट टू वाराणसी ऑन वेडनेसडे, वी वेंट टू वाराणसी ऑन वेडनेसडे। आप लोगों में से यदि फोनिक साउंड का आपने उपयोग किया होगा तो आप इसे फोनिक साउंड से पढ़ें, इसमें हो सकता है कि आपको कुछ डिफरेंट लगे, तो इसमें आप अपने डिफरेंट लगे आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, एफ में फिल इन द ब्लैंक्स विथ सी और के, ये सब दिया हुआ है, इसमें या तो सी भरना है या तो के भरना है, तो आइए देखते हैं। सी ए बी कैब, इसमें भरा हुआ ऑलरेडी, इसमें देखिए एक की का फोटो है, तो ई वाई लिखा हुआ, इसमें के भरेंगे। ठीक, के लिख दिया। ये देखिए केक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सी ए, यहाँ पर लिखेंगे के ई, केक। ये देखिए ये सिटी है, तो सी भर देंगे, आई टी वाई लिखा है सिटी। ये देखिए किंग का फोटो है, तो के भर देंगे, आई एन जी लिखा हुआ, किंग मीन्स राजा। और ये देखिए क्या है, कार्ड है ये, तो सी भर देंगे, सी ए आर डी कार्ड। ठीक, ये आपको सी और के भरना था, सी और के भर के हमने वर्ड बना लिया। ठीक,
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए जी में क्या करना है, लुक एट द कैपिटल लेटर गिवन, इधर कैपिटल लेटर दिया गया है, टिक द करेक्ट लोअर केस लेटर, आपको इसके सेम लोअर केस को सेम वर्ड सेम लेटर को टिक करना है। जैसे देखिए यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी मिल गया, इसमें टिक लगाया हुआ है, ये तो अलग है, डी ए पी, ये देखिए डी है, तो इसमें देखिए ये बी है, डी है, पी है, तो ये डी मैच कर रहा है, तो डी में हम इसको टिक कर देंगे। ठीक, ये देखिए पी है, तो छोट लोअर केस वाला पी यहाँ पे है, इसको टिक कर देंगे। ये भी है, तो देखिए ये लोअर केस वाला भी यहाँ पे है, इसमें टिक कर दिया। ये जी है, तो लोअर केस वाला जी यहाँ पे मिल गया, टिक कर दिया। क्यू है, इसमें लोअर केस वाला देखिए यहाँ पे है, इसको टिक कर दिया। ठीक, ये तो आप लोग को समझ में आ रहा है, कितना मज़ा आ रहा है, आपने इसको कर लिया। अब आगे देखिए, मैच द वर्ड ऑन द लेफ्ट विथ द पिक्चर ऑन द राइट, तो ये वर्ड है लेफ्ट में और राइट में पिक्चर दिया हुआ है, मैच करिए। जैसे देखिए ये एप्पल है, यहाँ पे एप्पल है, इसको इसको यहाँ मैच किया हुआ है, तो देखिए ये कैट है, तो देखिए यहाँ पे कैट है, तो कैट को हम यहाँ पर ले जा करके मैच कर देंगे। अब देखिए डॉग है, तो डॉग देखिए कहाँ पे, ये सबसे नीचे डॉग है, तो इसको हम यहाँ लाएंगे और इसको मैच कर देंगे। ठीक, हम देखिए ये टॉय है, तो टॉय क्या करेंगे, देखिए ये टॉय है, यहाँ के मैच कर दिया। अब देखिए बॉल है, तो बॉल देखिए यहाँ पे है, बॉल, ये बॉल यहाँ मैंने मैच कर दिया। ये देखिए मून है, तो मून हमने यहाँ पर मैच कर दिया। और ये देखिए कार है, तो यहाँ पर मैंने कार को मैच कर दिया। ये बस है, तो हमने यहाँ पर बस को मैच कर दिया। ठीक है, ये तो आप लोग को समझ में आ रहा, तो चलिए और आगे देखते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या अभ्यास दिया हुआ है। आगे में देखिए दिया हुआ है आई में, अनस्क्रैम्बल अनस्क्रैम्बल दिज वर्ड टू गेट द नेम्स ऑफ एनिमल्स, मतलब एनिमल्स का जो नाम है, ये वर्ड दिया गया है और अनस्क्रैम्बल है, मतलब सही क्रम में नहीं लिखा हुआ है, आपको सही क्रम में लिखना है। जैसे देखिए जी आई आर ई टी लिखा हुआ है, इसको सही क्रम में टी आई जी ई आर टाइगर लिखा हुआ है, तो यह अनस्क्रैम्बल है, इसको सही इस तरह से किया गया है। तो अगला हम लोग को करना है, यहाँ पे एग्जांपल दे दिया गया है, यह देखिए डी बी आई आर, तो इसको बनाना है। देखिए ये क्या है, बर्ड का फोटो है, तो इसमें खोजना है बर्ड बनता है कि नहीं, तो देखिए बर्ड बनाते हैं, तो बी आगे लिखेंगे, उसके बाद आई, उसके बाद आर, उसके बाद डी, बर्ड हो गया। फिर यहाँ देखिए, ये देखिए ये भी अनस्क्रैम्बल है, ये फिश का फोटो है, यहाँ पर एफ है, एफ लिखेंगे, उसके बाद देखिए आई है, उसके बाद एस है, उसके बाद एच, ये हो गया फिश। और ये देखिए, ये देखिए लाइन का फोटो है, ये एल हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, लायन। ठीक, ये तो आपको समझ में आया। और आगे देखिए जे में दिया हुआ, कैन यू फाइंड द नेम ऑफ दिज कलर कलर्स इन द वर्ड ग्रिड बिलो, मतलब नीचे जो ये कलर का नाम दिया गया है ना, इस ग्रिड में आपको खोजना है। तो चलिए आइए प्रयास करते हैं, खोजते हैं। ये देखिए ब्लू लिखा हुआ है, तो ये देखिए बी एल यू ई ब्लू, इसमें इसमें सर्कल किया हुआ है। अब देखिए ये तो दे दिया है एग्जाम्पल में, अब देखिए पिंक है, तो हम लोग पिंक खोजते हैं। देखिए पी आई एन के, आइए इसको हम लोग सर्कल कर लेते हैं पिंक। ठीक, ये तो हो गया, ब्लू तो दिया ही था, ग्रीन, आइए तो ग्रीन खोजते हैं। देखिए ग्रीन कहाँ मिलता है, देखिए जी आर डबल ई एन ग्रीन मिल गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सर्किल कर देते हैं कि ये मिल गया, ये ग्रीन पे टिक मार दिया। अब देखिए ब्लैक, तो देखिए ब्लैक कहाँ खोजें, देखिए बी एल ए सी के ब्लैक, आइए इसको भी हम लोग सर्किल कर देते हैं, ये ब्लैक भी हो गया। अब देखिए ब्राउन है, तो देखिए बी आर ओ डब्ल्यू एन, आइए इसको भी हम लोग सर्किल कर देते हैं, ये ब्राउन हो गया। अब बच गया हम लोग का वाइट, तो देखिए डब्ल्यू एच आई टी ई वाइट, आइए इसको हम लोग सर्किल कर देते हैं। चलिए ये तो आप लोग को समझ में आ रहा है, आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक को निकालिए और इन अभ्यासों को कंप्लीट करिए। ठीक है, तो चले अब आगे चलते हैं।
चलिए तो आगे का अभ्यास देखते हैं हम लोग। देखिए ये दिया हुआ है कि मैं टिक द करेक्ट अपोजिट वर्ड, करेक्ट द टिक द करेक्ट अपोजिट वर्ड्स, मतलब विपरीत शब्दों पे टिक करना है। जैसे हॉट, हॉट मीन्स गर्म, कोल्ड मीन्स ठंडा, तो हॉट का अपोजिट हो गया कोल्ड, तो इस पर टिक मारा हुआ है। ठीक, अब देखिए ये है लॉन्ग मीन्स लंबा, तो ये तो होता है शॉर्ट मीन्स छोटा, तो इसका ये अपोजिट ये हुआ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये टिक कर दिए, ये लंबा और ये छोटा। ये वाइट है, वाइट का अपोजिट ब्लैक होता है, वाइट का अपोजिट ब्लैक होता है, तो इसमें हम ब्लैक पर टिक मार दिया। ये डे है, तो डे का अपोजिट नाइट होगा, ये नाइट का फोटो है, चलिए नाइट का पिक्चर है, नाइट पर टिक कर दिए। यंग है, यंग मीन्स जवान, ओल्ड मीन्स बुढ़ा, तो ये हो जाएगा इसका अपोजिट। ये सैड, सैड मीन्स उदास, तो इसका हो जाएगा हैप्पी, हैप्पी यहाँ लिखा हुआ था, हैप्पी पर टिक कर दिया हमने। ठीक, ये तो आपको समझ में आ गया। अब आइए आपको, अब ये है देखिए एल में दिया हुआ है, पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। लिसन टू योर टीचर रीड आउट दिस सेंटेंस, इन सेंटेंसों को जब टीचर आपके पढ़ती हैं तो उसको ध्यान से सुनना है, से इफ द सेंटेंस इज करेक्ट और रॉन्ग, और ये देखना है सेंटेंस ये करेक्ट है कि रॉन्ग है। पुट ए टिक मार्क इन द बॉक्स, ये बॉक्स दिया हुआ है, इसमें एक टिक करना है इफ द सेंटेंस इज करेक्ट एंड पुट ए क्रॉस, ठीक, ए क्रॉस इन द बॉक्स इफ द सेंटेंस इज रॉन्ग, तो टिक करना है, अगर करेक्ट है तो टिक करना है, और यदि रॉन्ग है तो उसको क्रॉस करना है। आइए पढ़ते हैं, देखिए वन में दिया है माई ग्रैंड फादर इज ओल्ड हैज हेयर हैज टर्न ब्लैक, मतलब मेरे दादाजी बूढ़े हैं और उनका बाल जो है ब्लैक हो गया है, ये तो गलत है, बूढ़े आदमी का तो बाल जो है वाइट होता है, ये बोल रहा है ब्लैक हो गया, गलत है, तो इसको क्रॉस किया हुआ पहले से। ठीक, इसी तरह आगे देखते हैं, द सन इज वेरी हॉट, तो सन तो हॉट होता ही है, वेरी हॉट है, तो ये तो सही है, करेक्ट है, तो आइए इसको टिक कर देते हैं। ठीक, द बॉय वाज सैड सो ही वाज स्माइलिंग, लड़का उदास था इसलिए वो मुस्कुरा रहा था, ये तो गलत बात है, जो लड़का उदास है वो मुस्कुराएगा थोड़ा नहीं, वो तो एंग्री टाइप का रहेगा, ये है हमारा, ये सेंटेंस जो है रॉन्ग है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं, देयर आर 24 आवर्स इन ए नाइट, नाइट में 24 आवर होता है, नहीं ये तो रॉन्ग है, ये तो 12 आवर ही होता है नाइट में, 12 डे 12 नाइट, उसमें भी शाम होती है, तो इसमें ये तो रॉन्ग ही है, 24 आवर तो होता नहीं है, पूरे रात दिन मिला करके 24 आवर होते हैं, ये नाइट में कह रहा है, ये रॉन्ग है, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। आगे दिया है द आइसक्रीम वाज रियली हॉट, आइसक्रीम सचमुच में गर्म था, है गर्म थोड़े होता है जी, आइसक्रीम तो ठंडा होता है, ये तो रॉन्ग दिया है, तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं। वेल्स आर वेरी बिग क्रीचर, वेल्स बहुत बड़ा जीव होता है, हाँ होता है, ये तो मछली है, समुद्र में रहती है, बहुत बड़ा बड़ा होती है, ये तो बड़ा है, ये तो करेक्ट है, करेक्ट है, तो आइए टिक कर देते हैं। तो ये आपको, हमें उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसे दो बार तीन बार देखें और अच्छे से समझें और ये एक्सरसाइज पूरा करें, कंप्लीट करें, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा, और इस सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे हम लोग, और बढ़ाने के बाद आप पूरे आप सीरीज को आप पढ़ पाएंगे आसानी से। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें, आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, इस तरह का यदि आप वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, तो वीडियो और आगे बनाए जाएंगे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद धन्यवाद।